वक्त का खेल है सब, अपना अपना नसीब है, भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। अक्सर लोगों के मुंह से आपने ऐसी बातें सुनी होंगी और यह कहते हुए भी सुना होगा कि इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य बदलता है, मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में नसीब जैसी कोई चीज नहीं होती। नसीब का रोल इतना तो जरूर है कि किसी को अपनी मंजिल हासिल करने के लिए लंबे समय तक जूझना पड़ता है, तो किसी को हल्के प्रयास से ही सब हासिल हो जाता है और किसी किसी के पास तो मंजिल चलकर आती है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 80 के दशक के एक ऐसे ही सफल और सदाबहार अभिनेता जैकी श्रॉफ की, जिन्हें फिल्मों में काम पाने के लिए विशेष संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उनका शुरुआती जीवन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा। आप सभी दर्शकों की बेहद मांग पर बॉलीवुड फैमिली के इस एपिसोड में आज बात होगी जैकी श्रॉफ परिवार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। जय किशन काकू भाई श्रॉफ यानी जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को महाराष्ट्र के उदगीर में हुआ था, जो कि लातूर जिले में स्थित है। बाद में इनके पिता परिवार सहित मुंबई के मालाबार हिल एरिया के 3 बत्ती इलाके में आकर बस गए। जैकी श्रॉफ के बचपन और किशोरावस्था का समय बहुत ही गरीबी में बीता। गरीबी का आलम यह था कि जब वे 11वीं में थे तो इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। जैकी श्रॉफ बताते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई इसलिए भी छोड़नी पड़ी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ाई की वजह से उनकी फीस का बोझ घर पर पड़े। अक्सर उनकी फीस भरने के लिए उनकी माँ घर के बर्तन और अपनी साड़ी बेच देती, यह बात जैकी श्रॉफ को बहुत तकलीफ देती। जैकी श्रॉफ ने एक प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिस के नाम पर काम करना शुरू किया और इस दौरान वो अपने मोहल्ले में जितना बन पड़ता सबकी मदद करते। प्यार से लोग उन्हें जग्गू दादा कहा करते और जैकी भी सबको बीड़ू कह के पुकार, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमार सबको जानी कह के पुकारा करते थे। जैकी श्रॉफ चाहते थे कि वो अपने घर और अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करे जिससे उन सबका आगे का जीवन अच्छा बीते। उन्होंने काफी प्रयास भी किया लेकिन कुछ काम नहीं सूझ रहा था। जैकी पायलट बनना चाहते थे लेकिन उतनी पढ़ाई ही नहीं की थी। नेवी में भी जाना चाहते थे लेकिन मैथ और साइंस में मात खा जाते। थक हार कर उन्होंने कुक बनने का निर्णय लिया क्योंकि यही वो काम था जिसे जैकी बड़े मन से किया करते। एक दिन इसी उधेड़बुन में जैकी एक बस स्टॉप पर खड़े होकर सोच रहे थे कि आगे अब क्या किया जाए। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने अपना परिचय एक एड कंपनी के अकाउंटेंट के रूप में दिया। जैकी को मॉडलिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। उन्होंने पूछा इसमें मुझे करना क्या होगा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि आपको फोटो खिंचानी होगी और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। जैकी खुशी खुशी यह काम करने के लिए मान गए। अगले दिन जैकी उस व्यक्ति के बताए पते पर पहुंच गए जहां उन्हें उस एड कंपनी के मालिक मिस्टर और मिसेज जैन मिले और उन्होंने जैकी को उनका काम समझाया। कुछ दिनों के बाद उनका फोटोशूट हुआ और इसके लिए उन्हें 7,000 रुपए की पेमेंट मिली। जैकी को यह काम अच्छा लगा और उन्होंने घर आकर अपने माता पिता से इस काम को करने के लिए इजाजत मांगी। वो 80 के दशक की शुरुआत थी। जैकी ने चार मीनार सिगरेट जैसे प्रोडक्ट के लिए भी विज्ञापन किया। जैकी के कदकाठी से प्रभावित होकर कई लोगों ने इन्हें सलाह दी कि तुम्हें फिल्मों में भी ट्राई करना चाहिए। जैकी ने भी मन बनाया और एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। उसी दौरान उनकी मुलाकात सुनील आनंद से हुई जो कि लेजेंडरी एक्टर देवानंद साहब के सुपुत्र हैं। जैकी ने सुनील से कहा कि मैं देव साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। उन्होंने अगले दिन शाम को अपने पिता देवानंद से उनकी मुलाकात करवाई। देवानंद जैकी को देखकर बहुत खुश हुए और कहा कि सवेरे तुम्हारा पोस्टर देखा और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा। देव साहब ने उन्हें अपनी अगली फिल्म स्वामी दादा में सेकंड लीड का रोल दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही देव साहब ने उन्हें बताया कि वह रोल मैंने मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया है, तुम्हारे लिए एक दूसरा रोल है, क्या तुम इसे करना चाहोगे। जैकी को तो उन्हें ना करने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने अपने रोल के बारे में पूछा तो पता चला कि उन्हें शक्ति कपूर के राइट हैंड का कैरेक्टर निभाना है। खैर, जैकी श्रॉफ ने उस काम को अपने अभिनय और फिल्म की एक ट्रेनिंग मानकर कर लिया। 1982 में रिलीज इस फिल्म से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला जिसका फायदा उन्हें आगे की फिल्मों में मिला और उन्होंने देवानंद के साथ कई फिल्में की। उसी दौरान डायरेक्टर सुभाष घई को अपनी नई फिल्म के लिए एक नए लड़के की तलाश थी। उनकी ये तलाश जैकी श्रॉफ पर खत्म हुई। फिल्म का नाम था हीरो। 1983 में रिलीज यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म से उनका नाम जय किशन से जैकी श्रॉफ में तब्दील हुआ। हीरो फिल्म की कामयाबी के बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म दर फिल्म वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 200 से भी ज्यादा भारत की लगभग हर भाषा की फिल्मों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। आइए अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उनके परिवार के सदस्यों की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे उनके पिताजी के बारे में। जैकी श्रॉफ के पिता का नाम काकू भाई
भाई हीरा भाई श्रॉफ था, जो कि एक गुजराती परिवार से थे। कम उम्र में ही उन्हें स्टॉक शेयर के काम में पैसे लगाने का शौक हो गया था। एक बार उन्होंने घर के पैसे के साथ साथ रिश्तेदारों के पैसे भी स्टॉक में लगवा दिए, जिसमें उन्हें बहुत नुकसान हुआ। नतीजन 17 साल की उम्र में ही उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। वह गुजरात छोड़ मुंबई आ गए। यहाँ छोटा मोटा काम करने के बाद उन्होंने ज्योतिष का काम करना शुरू कर दिया। जैकी श्रॉफ बताते हैं कि वह ज्योतिष और नसीब जैसी बातों पर विश्वास तो नहीं करते थे, लेकिन बाद में वह सोचने लगे कि उनके पिताजी के ज्योतिष विद्या में काफी दम था। दरअसल जैकी के हीरो बनने की भविष्यवाणी उनके पिताजी ने पहले ही कर दी थी। साथ ही जैकी एक उदाहरण और भी देते हैं। उनके पिताजी ने बहुत पहले ही अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की माँ कोकिलाबाई अंबानी को बता दिया था कि आपके बच्चे एक दिन बहुत बड़ा नाम करेंगे और पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन के रूप में गिने जाएंगे। उनकी बातों को सुनकर उस वक्त वो लोग भी हंसते थे, लेकिन बाद में उनकी बातें सही साबित हुई। अब बात करते हैं जैकी श्रॉफ की माँ के बारे में। जैकी श्रॉफ की माँ का नाम रीता श्रॉफ था। वह एक तुर्की महिला थी और कजाकिस्तान की रहने वाली थी। बचपन में ही कजाकिस्तानी उग्रवादियों के आतंक से किसी तरह जान बचाकर वो अपनी माँ और अपनी 7 बहनों के साथ भारत चली आई। भारत में आकर उन लोगों ने लद्दाख में शरण ली और उसके बाद एक शरणार्थी के तौर पर दिल्ली आ गए और बाद में मुंबई में आकर बस गए, जहाँ उनकी मुलाकात जैकी श्रॉफ के पिता काकू भाई से हुई और उन दोनों ने शादी का फैसला किया, जिसे उन दोनों ने आजीवन निभाया। जैकी श्रॉफ के एक बड़े भाई भी थे और वो भी अपनी माँ की बातों से बहुत ही प्रभावित थे और लोगों की मदद किया करते। लोगों के लिए कुछ भी करने के इसी जुनून ने उनकी जान भी ले ली। हुआ यूं कि एक बार कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा था, वहीं पास में ही जैकी के साथ खड़े उनके भाई ने जब उस व्यक्ति को डूबते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तैरना ना जानते हुए भी वो पानी में कूद गए और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल की थी और जैकी श्रॉफ 10 साल के थे। अपनी आंखों के सामने इस घटना को देखकर जैकी श्रॉफ बहुत डर गए और हर वक्त सहमे सहमे से रहने लगे, इतना ज्यादा कि तेज आवाज और छोटी छोटी बातों पर भी डर जाया करते। लेकिन वक्त के साथ जैकी मजबूत होते गए और अपने भाई की जिम्मेदारी धीरे धीरे उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। अब बात करते हैं जैकी श्रॉफ की पत्नी के बारे में, जिनका नाम आयशा श्रॉफ है। 5 जून 1960 को जन्मी आयशा एक मॉडल और अभिनेत्री थी। मॉडलिंग के क्षेत्र में वो आयशा दत्त के नाम से भी जानी जाती थी। उन्होंने 1984 में आई फिल्म तेरी बाहों में मशहूर एक्ट्रेस नूतन जी के पुत्र मोनिश बहल के अपोजिट बतौर नायिका अभिनय भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म असफल रही, जिसके बाद उन्होंने अपना मन एक्टिंग से हटा लिया। मॉडलिंग के वक्त से ही उनकी दोस्ती जैकी श्रॉफ से हो गई थी। बाद में उन्होंने शादी का फैसला किया और 5 जून 1987 को शादी के बंधन में बंध गए। जैकी श्रॉफ की प्रोडक्शन कंपनी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड आयशा ही संभालती है। जैकी श्रॉफ और आयशा जी के 2 बच्चे हैं, बेटा टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। पहले बात करते हैं जैकी श्रॉफ के होनहार बेटे और हिंदी फिल्मों में आज के सफल नायक टाइगर श्रॉफ की। टाइगर श्रॉफ का असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है और इनका जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था। टाइगर आज की पीढ़ी के एक्टर्स में सबसे प्रतिभावान एक्टर के रूप में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ फिल्मों में प्रवेश किया और 2014 में आई अपनी पहली फिल्म हीरोपंती से ही दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। उनकी स्टाइल, फाइट और डांस के दीवाने बच्चे ही नहीं बड़े भी हैं। उनकी फिल्में लगातार सफल भी हो रही हैं, साथ ही उनका नाम आज के व्यस्ततम नायकों में गिना जाता है। अंत में बात करते हैं जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ की। 21 जनवरी 1993 को मुंबई में जन्मी कृष्णा अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। कृष्णा सोशल साइट इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती हैं। फिलहाल वो अपनी माँ के साथ अपनी होम प्रोडक्शन कंपनी का काम देख रही हैं। तो दोस्तों, यह रही जानकारी जैकी श्रॉफ फैमिली की। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।